आज मैं आपके साथ ट्रैवल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो हम बहुत दिन के बाद मिले हैं, बिकॉज कहाँ जाना ही नहीं हुआ और शेयर करने के लिए कुछ कंटेंट नहीं था, तो इसलिए शेयर नहीं किया। बट अभी लॉट्स ऑफ कंटेंट के साथ आई हूँ। एंड अभी हमारा ट्रिप जो है वो स्टार्ट करें हम मिल्टन कीन्स से और हम जा रहे हैं स्कॉटलैंड। ये जो टाइम है ये क्रिसमस के टाइम आता है स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटलैंड में मतलब हर जगह पे, बट हमें ये टाइम पे जाना था। सो अभी हमने ट्रिप जो है हमारा स्टार्ट किया है। आज है 10th of November और ये हमारा जो ट्रिप है हमने बहुत टाइम से प्लान किया था। सो अभी हम जा रहे हैं और ट्रेन का जर्नी है नियर अबाउट 5 to 5:30 hours का है, और वहाँ पहुँचने के बाद सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरा जो एडिनबरा है हम सब सिर्फ वही कवर करने वाले हैं। सो जो लोग प्लान कर रहे हैं स्कॉटलैंड जाने का, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो यूजफुल रहेगा। सो चलिए अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। फ्लाइट में होता है वैसे ही होता है। यहाँ पे नैपकिन होते हैं, यहाँ पे सोफ वाटर ड्रायर होता है जो कि और यहाँ पे अभी मुझे मैं ये क्लोज़ किया है, ये ओपन करने के लिए बटन प्रेस करना है। लॉक हुआ है अभी, तो जब मैं लॉक अनलॉक करूँगी तब ये ओपन हो जाएगा डोर। ऐसा बड़ा सा है, काफ़ी बड़ा है और नॉर्मल ट्रेन में इतना बड़ा नहीं होता। टीसी पैंडी है सैंडविच है सर। सो अभी ट्रेन में बैठे हैं और बैठे हैं और बैठी है, मतलब अभी नियर अबाउट हो गए 3.5 घंटे और हम हो गए बोर। हमने सैंडविच खाया, कॉफ़ी पी और अभी फ़िलहाल सो रहे हैं। और नियर अबाउट 5.5 घंटे, जैसे मैंने बोला कि 5.5 घंटे लगते हैं, तो अभी 10:30 बजे हम पहुंचने वाले हैं। और वहाँ पे जाने के बाद आपको होटल में दिखाने वाली हूँ कि हम कहाँ स्टे करने वाले हैं, वहाँ का अकोमोडेशन हमने कैसे किया, क्या प्राइस है, होटल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एडिनबरा
और स्कॉटलैंड का ट्रिप प्लान करते हैं, तो आपके लिए वो यूज़फुल होगा। ओके, तो फाइनली हम एडिनबरा पहुँच गए और अब ये कर रहे हैं। फाइनली स्कॉटलैंड आ गए और यस, बहुत दिन के बाद बाहर निकले हैं। और स्कॉटलैंड बोल सकते हैं एक अलग काउंटी है, तो यहाँ का भी सब आर्किटेक्चर वगैरह, हिस्ट्री वगैरह वो डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा स्कॉटिश पीपल ज़्यादा है और स्कॉटिश स्ट्रक्चर ज़्यादा है। सो चलिए, नया कोई तो कल्चर आपको अभी मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो अभी तो फिलहाल होटल जा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, और स्टेशन से बाहर निकलते ही अभी क्रिसमस का डेकोरेशन हो गया स्टार्ट। अभी हम हमारे अकोमोडेशन जो है होटल वहाँ पे आ गए। ये जो है सेंटर पार्ट है सिटी का और हमें ये सब जो लोकेशन है वो नियर बाय है। अभी सब पब वगैरह ओपन है तो मस्त लोग जा रहे हैं। हम अभी जाएंगे होटल, कुछ खाएंगे, फिर देखते बाहर आ रहे हैं। तो हमारी होटल जो है वो भी आ गई। तो ये है जो सेंटर में ही है, तो हमें बहुत कन्वीनियंट होगा ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पे रोड भी जो है वो पत्थर के है, नॉट सीमेंट एंड कॉन्क्रीट, पत्थर के है। सो अक्षय मेरी बैग भी उठा रहा है अभी। हम लिफ्ट से ऊपर आ गए और ये वेटिंग एरिया है और जो रूम्स है वो कुछ ऐसे है, तो देखते हैं हमें कौन सा वाला मिला है। व्हाट्स द नंबर? 23। Here it is. को हमारा रूम दिखाती हूँ। ये है, लाइट ऑन किया, फुल वे में दिखाती हूँ। ओके, तो ये स्टार्टिंग में ही वॉशरूम है, वॉशरूम थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे ये स्टोरेज है और लॉकर भी है और नीचे फ्रिज है। अरे वाह, काम में होगा। छोटा सा फ्रिज है विथ मिल्क एंड यहाँ पे भी आयरन और कोट लगाने के लिए है। हाँ, बाथरूम एंड स्लीपर्स। ओके, टॉयलेट्रीज। ओके, शू बैग एंड आयरन। या एंड यहाँ पे टी कॉफ़ी और ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार, भूल गई मैं, गर्म पानी केटली। या ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बैठने के लिए एक है जिस पर मैंने ये लगा दिया अभी मेरा बैग। ये मिरर है बड़ा सा और ये है बेड जिस पर पता नहीं ये क्यूट सा दिया, क्यूट बाथरूम वाला।
आवाज़ नहीं कर रहा है। और ये चेयर है यहाँ पे, आप ऐसे सुंदर से पेंटिंग भी दिया हुआ है। होटल तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लैम्प कैसे स्टार्ट होता है, एक छोटा सा लैम्प है यहाँ पे, टेबल है साइड टेबल कुशन, और यहाँ पे छोटा सा जो है कप है क्यूट, चाय बनाने के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। और व्हाट इज दिस, यहाँ पे सारे लाइट्स चालू नहीं है क्या, सॉरी यहाँ पे ऐसे ही रहता है। नाइस स्पून्स तो है, कुछ तो है, ओह स्टार्ट हो गया, नाइस ओके। और ये चेयर है क्यूट सी, और उसके बाद ये मिरर है यहाँ पे, ये टीवी है। अक्षय तेरा काम हो गया, टीवी स्टार्ट करके सो सकता है तू थोड़ा सी। और यहाँ पे है व्यू जो कि बाहर का है, अभी तो ठीक है रात है, तो ये बैक साइड व्यू है, और वो ऊपर आप देखेंगे इधर के साइड कासल है। हिज नेम इज बॉबी, बॉबी ओके। When you stay at Apex Hotel, you will find a duck in your bathroom. This duck is yours to take home and join you on your future travels. Find out more about the other Apex ducks on your blog. This is Bobby. Cute sa Bobby hai, green wala. Arey gir gaya. So, agar aap yaha pe aapko accommodation lete ho, hotel lete ho, so aapko ye free milega aur ye aap ghar pe leke ja sakte. So, abhi hoti hu main fresh. और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ओके बाय। ये बाथरूम स्लीपर, और ये बाथरूम है, और क्या है स्लीपर्स वेयर। ओ यहाँ पे भी स्लीपर्स है और बाथरूम है। सो चलिए अभी मैं फ्रेश होती हूँ। हम एक शॉप पे आए जहाँ से अक्षय अभी पानी ले रहा है, नूडल्स ले रहा है, और हमारा एग्जैक्टली होटल के सामने है जहाँ पे सारी ग्रॉसरी मिल सकती है, और जो छोटी चीज़ें हैं मतलब टूथपेस्ट पेस्ट हुआ, साबुन हुआ, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिलती है। दिस वन स्कॉटिश हैट। सो ये जो स्टोर है वो बहुत टाइम तक खुला रहता है, और ये एग्जैक्टली एपेक्स होटल के सामने है, तो आप अगर ये यहाँ पे अकोमोडेशन लेते हैं स्कॉटलैंड का, तो आपको सभी चीज़ें जो है वो नियर बाय है। और पानी बहुत ज़्यादा महंगा है, हाँ यूके में पानी महंगा ही है। ओके ठीक है, और मैंने पॉट नूडल ले लिए, अभी हमारा खाना तो हो गया है, बट ऐसे ही मुझे रात को भूख लगती है तो खाने के लिए अभी थोड़ा घूमेंगे, और फिर मॉर्निंग में हमारा जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। सो अभी हमारा खाना भी हो गया है, और हमने ऐसे ही खाना है ऊपर, और जस्ट पॉट नूडल लेके आई। और ये होटल में अगर आप अकोमोडेशन लेते हो तो नियर बाय स्ट्रीट जो है वो पूरी भरी हुई होती है, और ऐसे मतलब खाली खाली नहीं है। अभी सामने के स्टोर में मैं गई थी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे सैनिटरी वेयर्स है, कटलरी है, ये सारी चीज़ें, और फ्रूट्स वगैरह है वो सामने ही मिल जाएगा, तो ये बेस्ट है। आप ये मैं आपको क्या बोलते हैं, क्या सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप यहाँ पे रुक सकते हो अगर स्कॉटलैंड का ट्रिप प्लान करते हो तो, एडिनबरा का ट्रिप प्लान करते हो तो। और अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये होटल रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे पिन करके पूछ सकते हो, ओके। और जो होटल की प्राइजेस वगैरह है वो आप इनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हो, मैं साइट नीचे मेंशन कर दूँगी, ओके। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो कल की सुबह के साथ एडिनबरा आपको अच्छे से दिखाऊंगी, वो भी नए नए प्लेसेस के साथ, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
Thank you.